पार्ट होता है पहला पोर्शन टीम ए के लिए। विनीत विनीत सिद्धम पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए अध्यापक दिवस कब से मनाया जाने लगा? बी बताया भाई। अध्यापक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन सी बी का आंसर आया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। टीम बी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम सी के लिए। डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए? 1962। ऑप्शन 1962। ऑप्शन सी ऐसे बोलो बेटा। ऑप्शन सी ही हाँ तो सी होता है।
पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए। इनका विवाह किस आयु में हुआ था? 16 वर्ष। ऑप्शन डी। ये भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन ए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। ऑप्शन सी। एक शिक्षक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर उपयुक्त सभी? एक शिक्षक। टीम डी ने आंसर दिया ए। देखते हैं कौन बताएगा इनमें से डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? अभी ये लास्ट राउंड है आपका 4 नंबर, ठीक है। इस 3 राउंड में टीम ए टीम बी और टीम सी बराबर चल रही है और टीम डी थोड़ा पीछे है, ठीक है। 50-50 अभी तक किसी भी टीम ने नहीं लिए, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा दिमाग लगाना अपना इस बार, ठीक है। 50-50 यूज कर सकते हो अगर आपको हाँ डाउट हो तो आप 50-50 यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टीम ए के लिए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर। इन्होंने टीम ए ने जवाब दिया ऑप्शन बी। देखते हैं इनका आंसर राइट है। यू आर रॉन्ग, आपका गलत जवाब है। पूछा एक दूसरे से। सचिव आपने 5 अक्टूबर कर दिया। क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 0 पॉइंट्स क्योंकि टीम ए सही जवाब नहीं दे पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए। विश्व शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? टीम बी ने जवाब दिया ऑप्शन डी। विश्व शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस तो इसके लिए आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन टीम सी के लिए। इनके जन्म दिवस पर अध्यापकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है राजकीय शिक्षक पुरस्कार, ऑप्शन सी है खेल रत्न और ऑप्शन डी है शिक्षक रत्न। शिक्षक रत्न। टीम सी ने जवाब दिया डी, ऑप्शन डी। यू आर रॉन्ग, गलत जवाब। सही आंसर है राजकीय शिक्षक पुरस्कार। टीम सी को इसके लिए 0 पॉइंट्स मिलते हैं।
हरी किया। टीम डी सखी 40 पॉइंट। टीम डी ने आंसर दिया ऑप्शन बी। इसके लिए टीम डी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ये क्या हुआ? हमारा क्विज कंप्लीट हो चुका है और 50-50 किसी भी टीम ने नहीं लिया। अभी हम इनके टोटल करते हैं। टीम ए को मिलते हैं 30 पॉइंट्स, टीम बी को मिलते हैं 30 पॉइंट्स, टीम सी को मिलते हैं 30 पॉइंट्स एंड डी को भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स। तो अभी सारी टीमें बराबर हो गई हैं। तो इसके लिए क्या लंच के बाद जीत के क्वेश्चन पूछते हैं कुछ? ठीक है।